जनरल अस्पताल मंडी में स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी महासंघ मंडी इकाई के चुनावों का आयोजन किया गया, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अमरजीत शर्मा को तीसरी बार स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी महासंघ का प्रधान चुना गया। स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी महासंघ के प्रधान अमरजीत शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी महासंघ के इकाई के चुनाव आयोजित किए गए हैं। ये चुनाव जन सूचना एवं शिक्षा अधिकारी हरिदास चौहान और सेवानिवृत्त अधीक्षक स्वास्थ्य विभाग उमेश भाई की अध्यक्षता में चुनाव आयोजित किए गए हैं, जिसमें उन्हें तीसरी बार इकाई का प्रधान चुना गया है। उन्होंने बताया कि वाइस प्रेसिडेंट गोपाल सिंह ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी अरुणा कुमारी, मुख्य सलाहकार सुंदरलाल, कोषाध्यक्ष बंसी लाल को बनाया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यकारिणी का विस्तार के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल से संबंधित जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अस्पताल में कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास की समस्या है, इस समस्या को भी पूर्णतः से उठाया जाएगा। आज स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी महासंघ मंडी इकाई के चुनाव सत्य स्थान मंडी के सभागार में आयोजित हुए। इसमें श्री हरिदास चौहान जी, जो जन सूचना एवं शिक्षा अधिकारी हैं, तथा उनके साथ उमेश बैल जी, जो सेवानिवृत्त अधीक्षक स्वास्थ्य विभाग से हैं, आज जो है वे चुनाव अधिकारी थे और उनकी देखरेख में जो है आज चुनाव आयोजित हुए। और इस चुनाव में जो है मुझे आज तीसरी बार इस इकाई का प्रधान बनने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरे साथ जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री गोपाल सिंह ठाकुर जी बने, और जनरल सेक्रेटरी जो है अरुणा कुमारी जी, जो हमारी बार असिस्टेंट हैं, वो जनरल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हुई। और जो मुख्य सलाहकार हैं हमारे बड़े भाई, जो सीनियर फार्मासिस्ट हैं सुंदरलाल जी, वो मुख्य सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। और कोषाध्यक्ष जो है बंसीलाल जी को जो है बनाया गया। इसके अलावा जो कार्यकारिणी है उसको बनाने का अधिकार जो है हमें दिया गया, और एक दो दिनों के अंदर जो है हम कार्यकारिणी का जो है विस्तार करेंगे। मैं अपने कर्मचारियों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी अस्पताल से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित जो भी मांग होगी उसको मैं पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। अभी हाल ही में हमारे सामने जो है एक सरकारी आवास की समस्या है। हमारे बहुत से कर्मचारियों के पास सरकारी आवास नहीं है, बड़े दूर दराज से जो है हमारे कर्मचारी आते हैं, जिनके लिए जो है इस मुद्दे को अपने अधिकारियों के साथ तथा सरकार के साथ भी उठाने का प्रयत्न करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकारी आवास बने और हमारे कर्मचारियों को जो उपलब्ध हो सके। हमारे अस्पताल में पार्किंग की समस्या है। हमारे कर्मचारी गाड़ी लेकर आते हैं लेकिन उनको गाड़ियां खड़ी करने के लिए जगह नहीं होती है। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे कर्मचारियों को जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको ठीक ढंग से जो है किया जाए। और इसके अलावा जो भी कर्मचारियों की जो समस्याएं होगी हम उनको समय समय पे उठाते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने अधिकारियों से मांग को उठाना पड़े या सरकार से उठाना पड़े। जो भी समस्याएं होगी उनके लिए हम हमेशा जो है अपनी कार्यकारिणी के साथ जो है प्रयासरत रहेंगे।